तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट लोग मेहंदी लगाते हैं, इनसे थोड़ा बात करते हैं। हेलो, हाय। अच्छा, आप मेहंदी लगाते हो, क्या प्राइस? 150। मेहंदी नहीं लगा रहे हो क्या? बात कोई आई नहीं अभी? पूरी एज के दादी यहाँ पे सामान वगैरह खरीदी है। देखो कितनी मेहनत करे इतनी उम्र में भी। इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी की चूड़ियाँ वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। पहले तो 50 रुपए की है, 150 की है, 80 की है। एयरिंग वगैरह यहाँ पे काफी 50 की सेट है। इस सेक्टर की मार्केट का हम बाहर का व्यू दिखा रहे हैं अभी। कॉस्मेटिक का सामान वगैरह यहाँ से दुकान पे आपको मिल जाएगा। ये जो घर पे लगाते हैं दरवाजे पे, झालर बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हो, देख लेना। ये काफी अच्छे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये 200 की लड़ी है। मेहंदी कैसे लगा रहे हैं यहाँ पे? उत्तम स्वीट यहाँ बाकी यहाँ पे देख सकते हो, खाने के लिए मट्ठी वगैरह भी सभी आपको लेके चल रहे हैं। उत्तम स्वीट केक वगैरह काफी अच्छे लगे हुए यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो करवा चौथ का कल व्रत है, तो आज मेहंदी लगाई जा रही है हमारे मोहल्ले में भाभी के। तो देख सकते हो यहाँ पे ये सिस्टर मेहंदी लगा रहे हैं, और इधर भी देखो मेहंदी लग रही है, और दोनों सिस्टरें यहीं पे मेहंदी लगा रही हैं भाभी को। चलते गाइस, आपको आज 46 सेक्टर एंड 20 सेक्टर मार्केट चलेंगे आपको दिखाने के लिए। कुम लाते हैं श्याम से, क्योंकि वो मेरी वीडियो में काफी बार आ चुका है। हेलो श्याम, कैसे भाई? भाई, भाई कैसे हो आप लोग? और इधर मेरा दोस्त आ गया अनमोल। हेलो, तो मैं भी आ गया हूँ 46 सेक्टर चंडीगढ़ की मार्केट। मेहंदी वगैरह बहुत लगा रहे हैं, और यहाँ पे करवा जो नहीं होते जो व्रत का सामान वगैरह बहुत बिक रहा है, वो भी आपको मैं दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो भाई, करवा नहीं बोलते वो रखे हुए यहाँ पे और खरीद रहे हैं यहाँ से। तो आगे भी चलते आगे, अब मेहंदी वगैरह भी लगा रहे, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सामान यहाँ बिक रहा है, और यहाँ पे कपड़े की शॉप भी लगी हुई है, यहाँ से कपड़े भी खरीद सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे जीन्स वगैरह भी देख सकते हो, और यहाँ पे मेहंदी वगैरह बहुत जगह पे लगाई जा रही है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी यहाँ पे चूड़ी वगैरह भी मिल जाएंगी। मेहंदी नहीं लगा रहे आप लोग? लगा दी। इधर देख सकते हो आंटी की मेहंदी लगा रहे हैं यहाँ पे भी। तो क्या प्राइस लेते हो मेहंदी का? 150 एक हैंड का। ओके, दोनों का 300। ओके, थैंक यू। आज भी आगे आपको भी दिखा दे। इस वाली मार्केट में लगाई ज़्यादातर चूड़ी वगैरह, बैंगल्स वगैरह बहुत सारी मिल जाएंगी देख सकते हो, क्योंकि व्रत का सामान बहुत मिल जाएगा। बाकी देख सकते हो मेहंदी वगैरह लगाई जा रहे हैं यहाँ पे भी। पूरी तो 46 की मार्केट है ना, मेहंदी एंड पूरी एज के दादी यहाँ पे करवा का सामान बेच रहे हैं। तो दुकान पे दादी के आई है, यहाँ से सामान वगैरह खरीदी है। देखो कितनी मेहनत करी इतनी उम्र में भी। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चूड़ी वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और जो जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ उनके लिए खाने के लिए देख सकते हो। इधर पे मट्ठी वगैरह नहीं होते, मीठे हैं, नमकीन दोनों हैं, और नारियल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे यहाँ से। चलो आ जाओ थोड़ा सा आगे, और इस साइड में चूड़ी वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। और भैया कैसे हो? तो भैया इधर सामान बेच रहे हैं अपना कॉस्मेटिक वगैरह का यहाँ पे। श्याम भाई से पूछते हो, श्याम भाई चूड़ी खरीद लो यार थोड़ी सी। चूड़ी क्या करना भाई, कोई है ट्यूनिंग लेना ले ले भाई अपनी फ्रेंड के लिए। कोई नहीं है भाई, बहुत बढ़िया, बड़ी सस्ती पा रखी, क्या बात है भाई की, रात की नींद पूरी नहीं हुई। चलो आ जाओ भाई आगे थोड़ा दिखा देते हैं। बाकी मेहंदी लगाने यहाँ पे देख सकते हो, मेहंदी वगैरह लगाने के लिए बैठे हुए भाई। इस मार्केट में आपको चूड़ी वगैरह बहुत अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इस साइड भी बाजी भी चूड़ी वगैरह बेच रहे हैं। बाकी इधर भी सामान देख सकते हो, इधर मेहंदी भी लगाते हैं यहाँ पे, मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो। ये लोग बैठे हुए आर्टिस्ट लोग मेहंदी लगाने वाले। ठीक है सर, ड्रेस वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे, एयरिंग वगैरह यहाँ पे काफ़ी 50 की सेट है। हाँ जी गाइस, आपको 50 की ज्वेलरी वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी अच्छे लगा रखे हैं यहाँ पे। ये अपनी दुकान यहीं पे लगी रहेगी कब तक? ऊपर शॉप है, ऊपर शॉप है गिफ्ट की। गाइस इधर अपना 46 सेक्टर में जो अपना मार्केट है सामने, इधर बैक साइड पे यहाँ पे शॉप है, गिफ्ट शॉप है, यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे व्रत की जो प्लेट मिलती है, आंटी से पूछते हैं, आंटी कितने की प्लेट है व्रत की? है 200 की है, 180 की है। 200 यहाँ पे रखे हुए प्लेट है, और ये मंदिर के सामने लगा रखे हैं यहाँ पे शॉप, तो आपसे फिर से दिए दे सकते हो मिट्टी के, काफ़ी से यहाँ पे रखे हुए। हेलो 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 भैया कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। तो गाइस ये वाला आपको 50 रुपये मिल जाएगा, और ये 20 के 12 मिल जाएंगे दिए, और ये रहा 60 रुपये का। तो ये भैया ने दुकान लगा रखी है मंदिर के सामने देख सकते हो, यहाँ से आप ले सकते हो, क्योंकि ये कल तक आपको मिल जाएगा, जल्दी आइएगा इस लेने के लिए। गाइस ये श्री सनातन मंदिर, तो मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं मार्केट घूम रहा हूँ। तो ये बैक साइड में मंदिर है श्री सनातन मंदिर, तो आप यहाँ पे जा सकते हो दर्शन करने के लिए। चैनल का नाम है मिस्टर अनिल वर्मा ऑफिशियल। और भैया कैसे हो? तो भैया क्या प्राइस में बेच रहे हो चूड़ी वगैरह? पहले तो 50 रुपये की है, 150 की है, 80 की है, इसमें आप सेलेक्ट करना, उस रेट के हिसाब से आपको मिल जाएंगी चूड़ी वगैरह। बहुत सामान बिक रहा है, जल्दी जल्दी खरीदने के लिए आइए, चूड़ी वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे आपको। आओ भाई इधर भी आके दिखा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देख सकते हो करवा वगैरह मिल रहे हैं। कितने पैसे बेच रहे हो?
ये बेच रहे हैं जी 30 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए। अच्छा जी जी ओके, देख सकते हो भाई अंकल ने प्राइस बता दिया आप जलर वगैरह तो दरवाजे पे गेट पे लगाने के लिए। श्याम क्या प्राइस में बेच रहे भाई? भाई 100 के 2 हैं भाई। 100 के 2 हैं। गाइस ये दुकान हमारी नहीं है, भैया की है, बट हम लोग दिखा रहे हैं आपको, अच्छा लगता है गेट पे लगाने वगैरह के लिए तो लगा सकते हो। भैया क्या प्राइस में बेच रहे हो? 650 रुपए का है, लड़ी का माल होता है ना? लड़ी का माल होता है। ओके तो भाई ये जो लड़ी का सामान है भैया ने थोड़ा रेट आपको बता दिया, तो यहाँ से आप 46 सेक्टर से खरीद सकते हो। कब तक रहोगे आप यहाँ? इधर दीपावली तक रहते हैं भैया, ये दीपावली तक रहेंगे 46 सेक्टर में। अगर आप खरीदना चाहते हो तो यहाँ से खरीदे तो काफ़ी अच्छा है। देख सकते हो लड़ी वगैरह यहाँ पे है गेट पे लगाने के लिए। और आज आपको दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ से, देखो कितनी अच्छी यहाँ पे लड़ी वगैरह है। दिए वगैरह बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं आपको मैं दिखा ही रहा हूँ यहाँ पे, तो इस साइड में भी देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी सामान। गाइस मैं अभी लेके चल रहा हूँ आपको उत्तम स्वीट, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं, तो आपको ले चलते हैं अंदर। और यहाँ पे डेयरी स्वीट एंड बेकर का सारा सामान मिलता है खाने के लिए, तो वैसे आपको गिफ्ट पैकिंग वाले मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी कुछ अच्छा लगा रखे हैं खाने के लिए, मट्ठी वगैरह भी। और पाजी कैसे हो? सभी आपको लेके चल रहे हैं उत्तम स्वीट, यहाँ पे दिखाते हैं बेकरी का सामान, बिस्किट वगैरह इस साइड में काफ़ी अच्छे लगे हुए, केक्स वगैरह आप देख सकते, दिखाते हैं दुकान में क्या क्या सामान वगैरह है, आप देख लेना बाद में। केक वगैरह काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पे, केक पे नाम नहीं लिखे हुए, सारे वैरायटी के केक मिल जाएंगे लगभग, जो ऑलमोस्ट होते हैं केक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा लगी है, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, अगली बार आपको सही से दिखाएंगे। इधर रस मलाई वगैरह भी रखी हुई है यहाँ पे देख सकते हो, आपको उत्तम स्वीट के अंदर का व्यू दिखा दिया हमने। उत्तम स्वीट का पीछे शॉप है, यहाँ पे खाने पीने का बहुत अच्छा बैठ का सामान मिल जाएगा, स्वीट वगैरह बर्गर वगैरह रखे हुए सामने, बाकी पिज्ज़ा वगैरह भी यहाँ पे रखे हैं, डोपले वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे, सैंडविच वगैरह भी। तो गाइस चलते हैं अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं, बंसल के पास भी आओगे आपके यहाँ मट्ठी वगैरह अच्छे से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आ जाओ भाई थोड़ा सा आगे और आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हो मट्ठी वगैरह नमकीन मीठे दोनों लगे हुए हैं साइड में भी, गिफ्ट वगैरह आपने किसी देना है यहाँ पे उसे ले सकते हो, तो ये आप गिफ्ट में दे सकते हो। 46 सेक्टर जो मार्केट है आसपास का जो व्यू है आपका दिखा रहे थे, यहाँ मार्केट पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो गाइस हमने इधर का मार्केट दिखा दिया, हम चल रहे हैं दूसरी साइड पे, इस साइड पे, और मेहंदी वगैरह भी आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, वो भी आपको एक गिफ्ट दिखा देते हैं इस साइड का। तो गाइस इस साइड पे भी देख सकते हो यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है, क्योंकि जैसे करवा चौथ का व्रत है ना, मेहंदी वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग लगा रहे हैं, लगवाने के लिए आ रहे हैं। तो आइए गाइस चलते हैं सामने ही शोरूम में, इधर चल रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मेहंदी आर्टिस्ट आए हुए हैं मेहंदी लगाने के लिए। तो आइए गाइस मैं मेहंदी बहुत बोल रहा हूँ, तो इस साइड में देख सकते हो यहाँ पे भी मेहंदी लगाई जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हो मेहंदी लगाई जा रही है, आर्टिस्ट लोग बैठे हुए मेहंदी लगाने के लिए। चलो भाई आइए आगे भी चल रहे हैं। वैसे 46 सेक्टर में मतलब जैसे कि कोई फेस्टिवल वगैरह होता है ना, करवा चौथ वगैरह होता है ना, तो काफ़ी लोग यहाँ मेहंदी वगैरह आर्टिस्ट आते हैं लगाने के लिए, अगर आप इधर आसपास रहते हो तो लगाने के लिए प्रयास। और भैया कैसे हो? मट्ठी वगैरह बिक रहे हो भैया? मट्ठी वगैरह यहाँ पे बेच रहे हैं। हम अभी घूम रहे थे पूरा 46 सेक्टर के मार्केट दिखा रहे थे आपको, थोड़ा सा एक और व्यू दिखा देते गाइस। ये जितने टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, तो सब लोग इधर ज़्यादातर मेहंदी लगवा रहे हैं और बाकी दुकान से सामान बेच रहे हैं। तो इधर भी देखो भाई लोग भी मेहंदी लगा रहे हैं यहाँ पे, तो मेहंदी वगैरह बहुत लगाए जा रहे हैं। चलो भाई आगे चलते हैं यहाँ पे, मेहंदी लगी आगे चलते हैं, आपको थोड़ा सा और दिखा देते हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद में निकलते हैं 20 सेक्टर के लिए, पंचकुल्ला 20 सेक्टर जाना है वहाँ। और भैया कैसे हो? क्योंकि हम ज़्यादा के पूछ रहे, कोई 200 रुपये ले रहा है, कोई 150 रुपये ले रहा है, ऐसे एक हैंड का दोनों का कोई 400 कोई 600 रुपये ले रहा है, डिज़ाइन के हिसाब से ले रहा है प्राइस। तो गाइस इधर होम डेकोर का सामान मिल जाएगा आपको यहाँ पे देख सकते। और ये भैया भी मस्ती से हंसते हुए भैया मस्ती से बेच रहे कपड़े वगैरह, मंदिर के सामने मिल जाएंगे आपको यहाँ पे भैया। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गया हूँ 46 सेक्टर में रात के टाइम का व्यू दिखाने के लिए मार्केट का। तो गाइस ये देख सकते हो रात के टाइम में लाइटें वगैरह भी यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 120 रुपये का, एंड ये देख सकते हो 100 रुपये का जुलूस वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। दिवाली तक यहाँ पे सामान बिकेगा, आप मेहंदी वगैरह भी लगा रहे हैं, ये देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, मेहंदी लगा रहे हैं मैम के। तो भाई इधर चूड़ी बेच रहे हैं, क्या प्राइस में बेच रहे भाई आप? ये जो आपको शेयर करके आएगा उसके लिए 80 रुपये। अच्छा बाकी वैसे वैसे 120 रुपये डजन है। क्या प्राइस में बेच रहे होंगे? 100 रुपये दर्जन। हाँ। हेलो मैम कैसे हो आप? तो मैम मेहंदी कैसे लगा रहे हैं यहाँ पे? बहुत सुंदर मेहंदी लगा रहे हैं, और आई एम वेरी क्रेजी अबाउट माय मेहंदी फॉर करवा चौथ, आई सी माय मेहंदी, लव यू ऑडियंस। मॉम बेकर्स काफी फेमस है यहाँ पे, आपको थोड़ा अंदर चल के व्यू दिखा देते हैं, यहाँ पे केक वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, इससे वैरायटी के बैक साइड में बिस्किट वगैरह रखे आपको दिखा देते हैं। और ये रहे सामने केक वगैरह, बाकी ये सामने रहे बेकरी उसके जाम वगैरह के। हेलो, तो भाई मैंने आपको अंदर का व्यू दिखा दिया।
तो गाइस ये रहा 46 सेक्टर का ब्लॉग, यहीं पे इसको खत्म करते हैं। हम जा रहे हैं अभी 20 सेक्टर पचकुल्ला। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।